हाँ जी, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं बरिंदर। फ्रेंड्स, अज आप गल करांगे हार श्रृंगार प्लांट ते। ठीक, ये हार श्रृंगार दा प्लांट मेरे कोल पहला भी सी। प्लांट वो बहुत ज़्यादा बिग साइज सी, एक ट्री नुमा बन गया सी। ते 5-7 साल का होने तो बाद वो अपने आप डाई बैक होके सुक गया। तो उस तो बाद मैं फिर ये होर लेके आई। ये प्लांट हो गया 2 साल का। तो मैं इस प्लांट नू पहला दी तरह ना उपर नू लेंथी नहीं जान दिता। यदि मैं कटिंग कर करके, ये देखो इतों कटिंग की है, बहुत उपर चला गया से भी, तो हाइट यदि 5 फीट हो गई सी। मैं कटिंग कर करके इनू छोटा ही रखा हुआ। तो ये फ्लावर आ जो कि रात में खिलते आ, तो सवेरे नीचे गिरे हुए मिलेंगे। बहुत खुशबूदार फ्लावरिंग होंगी है, तो बहुत अच्छे लगता। ये देखो इस तरह जिमें बिच येलो कलर का इस तरह एक डॉट हों, जिमें बिंदी लगाई हो। देखो कि सोहना लगता। देखो तो इस तरह की यदि फ्लावरिंग होंगी है, नीचे भी गिरे हुए थानू मिल जाएंगे। तो ये फ्लावरिंग मैं वीडियो बना लेट हो गई हाँ, कि हूँ जो इक्का दुक्का फ्लावर रह गया उस टाइम मैं वीडियो बनाई है, क्योंकि इनू इस बार बहुत भर के फ्लावरिंग हुई है। तो ऑलमोस्ट इदा ही चलती रही है। तो ये देखो ये सीड भी तैयार हो रहे हैं। ये मैं सीड कलैक्ट करांगी। प्लांट तो काफ़ी व्डा आ, पर सीड इनू सिर्फ 2 या 3 बने आ। एक ही है, एक जगह होर मैं दिखे सके कोई ज़्यादा सीड नहीं बने। तो मैं चाहती सी भी सीड बन जाते, क्योंकि वैसे इस एक सीड चो ही 3 या 4 सीड बहुत टाइम बाद निकल आते। जिमें हार्ट शेप च है ना, तो इन जो आप सुक जाता खोलो तो 4 सीड मिली जाते, जो कि सीड तो एक ही बहुत होंगे जो ग्रो हो जाए अच्छी तरह। ये देखो ये इधर बन रहा है सीड, यही 2 सीड बने आ, तो ज़्यादा नहीं बने। तो फ्लावरिंग बहुत भर के हुई है। जे आप गल करिए केयर दी, बिल्कुल केयरलैस, कोई रिक्वायरमेंट नहीं इस प्लांट की। सनलाइट फुल चाहिए आ, पानी की कोई जरूरत नहीं। वीक च एक बारी पाओ, 15 दिन च एक बारी पाओ, वो थोड़े ते डिपेंड है कि प्लांट ड्राई हो रहा हो। ठीक भाई, ये मेरा 12 इंची के पॉट में लगा हुआ है, तो बिच मॉस रोज भी लगी हुई है 9 o'clock वाइट वाली है। ठीक, तो अपराजता भी अपने आप ग्रो हो जाती है। तो मैं काफ़ी बारी निकाल निकाल के सुट्टी है, देखो फिर भी ग्रो हुई वो। तो देखो कितना छोटा जिहा पॉट आ, और देखो जेड प्लांट भी अच्छा चल रहा बिच। इन्ना ये बेचारा केयरलैस प्लांट आ कि कोई यदि केयर मैं नहीं करती। जे मैं अपनी सोच के मुताबिक दसा, मैं बिल्कुल भी यदि केयर नहीं करती। सिर्फ पानी और गुडाई, एक महीने च एक बार पानी, मैं हफ्ते च एक बार दिंदी हूँ। अज सवेरे ही पानी पाया इनू मैं, क्योंकि वैसे ही हुण मौसम चेंज हो चुका। ज़्यादा जो गर्मियां सी तद भी मैं इनू 3 दिन बाद पानी दिंदी सी, क्योंकि जो एन सॉयल ड्राई हो जाती है लीफ शॉक च चले जाते फिर मैं इनू पानी दिंदी सी। जे सॉयल की गल करिए बिल्कुल वेल ड्रेन है, देखो अज वेल ड्रेन सॉयल है, सैंड ही सैंड आ है ना। तो वैट आ जे, क्योंकि पानी पाया हुआ सवेर का, तो मॉस रोज भी खिल रही है। तो इस तरह यदि कोई केयर नहीं है, पर ये लीफ ना बड़े हार्ड होंगे और थोड़े इदा लग रहे जिदा कांटेदार हो, जो हाथ लगाओ ना खुरदरे खुरदरे, जिसनों आप कह दें कि खुरदरे लीफ है ये। और लीफ की बनावट देखो बड़ी सुंदर है, और बहुत सारे लोग फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत शुभ प्लांट आ। मैं शुभ प्लांट इस तरह का कुछ भी नहीं जानती, मैं वास्तु के अकॉर्डिंग जा वैसे है ना पुरातन टाइम के सामना नहीं कुछ भी बिलीव करती। उपर वाले की नीति आ वो कि उन्हें जो प्लांट बनाए आ सारे शुभ आ, जो सानू ऑक्सीजन देंगे, सोहने सोहने फ्लावर देंगे है ना। मेरे लिए सारे प्लांट शुभ आ, मैं शुभ बेशुभ वाले पासे नहीं जाती। पहला एक होर फ्लावर सीड दिस गया, देखो एक ये एक 2-3 हो गए, चलो मेरे लिए इन्ने बहुत आ। मैं ग्रो भी कर लाँगी होर, तो शेयर भी कर दाँगी फ्रेंड्स के सीड है ना।
ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰਲੈਸ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਆ ਗਾਰਡਨ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਜ਼ੀ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਈ 10 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਲੈਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਕੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਗਸਤ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਥ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੈਲਥੀ ਪਲਾਂਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।